तहत मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वकास के साथ कभी भी एडजस्ट कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के एहतराम में वकास का साथ कबूल कर लूंगी। डैड, मेरी मनमानियों पर आप मुझसे नाराज इस दुनिया से चले गए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मुझे माफ कर दीजिएगा। नवेरा मेरी जान, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? रुको, क्या डैड मेरी वजह से अपसेट है? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने वकास से मंगनी तोड़ दी, इसलिए वो नाराज थे ना मुझसे। तुम अपना फैसला बदल सकती हो, इससे तुम्हारे डैड, मैं, वकास सब खुश हो जाएंगे। और गलतियां तो बेटा अपनों में ही होती है ना, अगला बंदा अगर कोई गलती का एहसास कर ले तो उसको मौका देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि खाला मना लेंगी आसिम भाई को। उससे कहो कि वो फ़ोन करके माफ़ी मांगे, आसिम ऐसा भी नहीं है कि उसे माफ़ ना करे। बोलूँगी मैं आप ही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह से गए तुम, अब लौट रहे हो, खैरियत है ना? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारे। आप फिक्र ना करें, सब खैरियत है। बेटा जाओ मुन्नी, भाई के लिए खाना लेकर आओ। जिम, खाना तो खाओगे ना तुम? आज तो मैं जरूर खाऊंगा, बल्कि आज ना आप अपने हाथों से खिलाएं मुझे। खैरियत है? आज बड़े बदले बदले से लग रहे हो। मैं आपका बेटे को ना दवेरा ने वाकई में बदल दिया, वो मुझसे, आपके बेटे से मोहब्बत करती है, सच्ची मोहब्बत, इसके पल्ले कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा उसके साथ कोई जोड़ नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आई? लेकिन अम्मी, ये मोहब्बत तो बहुत अजीब चीज है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत इतनी ताकतवर चीज है। क्या बात है, आज बड़े बदले बदले से लग रहे हो। आपके बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई किया, दुआ करना कि काम मिल जाए। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मॉम, कितना अजीब एटीट्यूड हो गया है उसका, उसको परवाह ही नहीं है कि मैं कितनी मोहब्बत से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। वकास, अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो ना, इतनी ही वो मुझे अजीज है। उसको अगर तुमने हर्ट किया या उससे बदतमीजी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मॉम, मैं क्यों हर्ट करूंगा उसको? अब शायद भूल गई कि मंगनी उसने तोड़ी है, मैंने नहीं। I love her, you know that. तुमने अगर जरा सी अकलमंदी से काम लिया होता ना, वो कभी मंगनी ना तोड़ती। तुमने तो उसे अपनी इनसिक्योरिटीज का निशाना बनाए रखा। मान लो अपनी गलती। कमाल है माँ, आपको अपने बेटे से ज्यादा उसकी परवाह होने लगी है अब। As I told you before, she's like a daughter to me. भाईजान के मरने के बाद मैं ही उसकी बड़ी हूँ। उसके साथ कोई ज्यादती हो, बदतमीजी हो, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आपको लगता है कि मैं हर्ट करूंगा उसको? तुमने जो धमकी आमेज मैसेज किए हैं ना, पढ़े हैं मैंने, शर्म आती है मुझे। मॉम, हो गया वो गलती से मुझे, मैं गुस्से में था। I didn't mean to. पता नहीं वकास, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाईजान की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जिस तरह उनके साथ उस दिन बदतमीजी की, उनको हर्ट किया, ना तुमने उनकी उम्र का ख्याल किया और ना ही रिश्ते का लिहाज किया। वो तो रोते हुए गए थे उस दिन। अगर आज भाईजान जिंदा होते ना, तो तुम्हारा नवेरा से शादी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाता। For God's sake, Mom, can you not repeat that episode? भूल नहीं सकती आप, वो क्या हो गया? Then promise me one thing. तुम कभी उसको हर्ट नहीं करोगे। I promise I won't.
Come on, you're a friend. तुमने हमेशा मुझे समझा है और हमेशा सपोर्ट किया है। सब मुझे कहते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मट्टी की बनी हुई हो तुम। जब एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों कॉल किए जा रही हो बार बार? क्यों कॉल नहीं लेना चाह रहे बताओ मुझे, आखिर मैंने किया क्या है अकील? अरे मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? किसी और से मोहब्बत करने लगे हो? ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरा मसला नहीं तो और किसका है? देखो जोहा, मेरी भी कुछ लाइफ है। मैं कब तक तुम्हारी दिलजोई करने के लिए तुम्हारी मर्जी का स्क्रिप्ट बोलता रहूंगा? दिल जोई, क्या कहना चाह रहे हो? आज तक तुमने जो भी मुझे कहा वो दिल जोई थी? मैं कोई बीमार हूँ? कोई ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ा हूँ? देखो सबकी जिंदगियों में मसले होते हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत मसले चल रहे हैं और मुझे उन मसलों से फुर्सत नहीं मिलती। अब तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं? आज तक तुम्हारा कौन सा मसला है जो मैंने नहीं हल किया? प्यार हो गया मुझे। Yeah? I'm not joking. I'm damn serious. शायद मैं इतना serious तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए ब्राय मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। Bye. पता नहीं वकास, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाईजान की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जिस तरह उनके साथ उस दिन बदतमीजी की, उनको हर्ट किया, ना तुमने उनकी उम्र का ख्याल किया और ना ही रिश्ते का लिहाज किया। रोते हुए गए थे वो हमारे घर से। अगर आज वो जिंदा होते ना तो तुम्हारी और नवेरा की शादी बस ख्वाब ही बन के रह जाती। मेरे तुम्हें पता है ना कि जब मामू का एक्सीडेंट हुआ तो वो हमारे घर से वापस जा रहे थे। हाँ बताया था आंटी ने, बहुत प्यार करते थे डैड से मेरे आंटी से। अच्छा ही हुआ कि जाने से पहले एक बार उनसे मिल लिए। बहुत खुश थे, बहुत होपफुल थे। नहीं वो खुश नहीं थे, बहुत परेशान थे। परेशान थे लेकिन वो हमारी वजह से परेशान थे। मेरे कंसर्न्स और तुम्हारे इनकार की वजह से परेशान थे ना। मुझे समझाने आए थे कि मुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए हमारे रिश्ते को। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें थोड़ा और वक्त दूंगा, तुम पीस ऑफ माइंड से सुकून से सोचोगी तो तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा। मुझे ये बताने आए थे वो। खैर अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फूफो का रिश्ता बच सकता है तो फिर ठीक है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी, सिर्फ मेरे और सुमैरा के लिए कोई ऐसा इरेशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं तो ये कैसी खुशी होगी? मैं चाहूंगा
सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने। लेकिन मेरी जिंदगी का ना बहुत सिंपल सा रूल है, अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक और दूसरों को उनके असूलों के मुताबिक गुजारने दे। इसका मतलब है कि डैड का एक्सीडेंट वकास की तरफ से मिलने वाली ज़हनी अज़ियत के बायस हुआ। वकास ने मेरे साथ ही नहीं, डैड के साथ भी बदतमीजियां की। यकीनन डैड ने भी सोच लिया होगा कि वकास मेरे लायक नहीं है। इतना कुछ हो गया और वो अब भी मुझे चीट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अकील को नीचा दिखाना चाहता। अगर मुन्नी के जाने के बाद तुम रोमांस करने वाले हो ना तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना। एक्चुअली खाला परेशान हो रही थी कि तुम बस स्टॉप से अकेले किस तरह आओगी, अंधेरा था। तुम्हारी भी मेहरबानी और उनका भी शुक्रिया, ठीक है। एक्चुअली खाला चाहती थी कि तुम एक सवारी से उतरो तो दूसरी सवारी तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार। मैंने मना किया था ना कि मुझ पर ये मालिकाना हकूक मत जताया करो। हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ कजन्स का रिश्ता है, समझे। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तो पूरा कर ले एक बारिया। बात सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें पता है मुझे फूलों से एलर्जी है, क्यों लाए हो तुम? अलका तुमने मुझे अपनी पसंद या नापसंद के बारे में कभी बताया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि तुम इनसे एलर्जी। तुम ये सब बातें करने यहाँ आए तो चले जाओ, जब कोई होगा ना घर पे तब आना। मलिका तुम क्या मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती? मेरा दिल रखने के लिए कह दो कि तुम्हें ये कचरे अच्छे लगे। देखो आसिम, मुझे ये लगी लिपटी बातें पसंद नहीं। जब तुम इन गजरों की जगह सोने के कंगन ला सको ना तब शक्ल दिखाना अपनी। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दिल में, कैसे होगा पूरा फासला। क्या हो गया था? कजन हूं मैं तुम्हारा। मुझे तो याद है मगर तुम भूल जाते हो कि तुम मेरे कजन हो। मैं भूल जाता हूँ? मलिका भूल तो तुम गई हो, वो फैसला जो हम लोगों ने। फॉर गॉड से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे उस फैसले से इनकार है। देखो अगर तुम अपनी नहुसत का साया दूर ले जाओगे ना तो मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मिल जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं। तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, बीवी बनकर आ गई हूँ, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए।
ठीक कह रही हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। तो फिर मेरी मोहब्बत का इंतजार करना छोड़ दो, बीवी बनकर रिश्ता निभाऊंगी। महबूबा कभी नहीं बन सकती तुम्हारी। भीगी भीगी आटे दबी दबी राते, हाले दिल कैसे हो बयां। किसी बात पर गुस्सा हो तो कह दो, पर ना हर वक्त सोचते रहोगे कि काश कह देते। मैं तुम्हें गुस्से में क्यों कुछ कहूंगा? इतना सबर करोगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो क्या तुम मेरा सबर आजमा रही हो? नहीं, अपना सबर आजमा रही। देखो मल्लिका, तुम्हें मुझसे जो भी शिकवे हैं वो क्या मुझ तक महदूद रह सकते हैं? कम से कम दूसरों की जिंदगी तो अजीरन नहीं होगी। हैरत है, खाला को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नाम का कोई एहसास नहीं। जब वो रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? वो नफरत करती है मुझसे, करती रहती, लेकिन किसी की मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पर फोकियत तो ना देती। मुन्नी जी। अम्मी, भाई कहाँ है? वो किसी की कॉल आई थी तो नाश्ते के बीच में से ही उठ के चले गए। बता के फिर नहीं गया? अम्मी आप तिलावत कर रही थी तो जब मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं आके बताता हूँ। हाँ, अल्लाह उसे कामयाब करे। आजकल बहुत परेशान है, नौकरी ढूंढ रहा है ना अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। अरे आसिम, तो आओ बेटा बैठो। मुन्नी जाओ, भाई के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी। आपको क्या लगता मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए आया? बेटा तुम्हारा अपना घर है, क्या होगी अगर तुम नाश्ता कर लोगे तो? तुम्हारी माँ भी कितनी भोली है ना, इनको लगता है कि अगर किसी का निकाह कर दिया जाए तो गुनाह से बच जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि किसी के साथ जबरदस्ती की जाए उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आसिम, ये बात बैठ के भी हो सकती है, आप बैठो। साला क्या बात करती है, या क्या बात हो सकती है? अब तो बात खत्म होगी, को मेरे नाम की कैसे रिहाई चाहिए थी ना, ताकि उस आसमान पर उड़ सके जहां पर ये उड़ना चाहती। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने नाम की कैसे रिहाई देने आया। मैं इसे नहीं, यहां से। मुझ पे जुल्म करना चाहते हैं आप, करें। मैं सहलूंगी ये सोच करके कि मैं इसी लायक हूं, मगर अपना नाम मेरे नाम से जुदा मत करें। सारी उम्र एहसास में जी लूंगी कि एक शरीफ इंसान ने मुझे अपना नाम दिया था। हासिम, मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो मत रखे, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़े। जिसकी कदर मुझे अब हुई है, मत तोड़े इस रिश्ते को, प्लीज। हासिम, Thank you.
पार्लर गई होगी, आ जाएगी अभी। मॉम किसी को बताए बिना क्यों जाएगी पार्लर? अच्छा तुम एक दफा और ट्राई कर लो ना फोन। सुबह से कर रहा हूँ, नहीं उठा रही। तुमने कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कही उसको? मॉम क्या हर बात का इल्जाम मुझे देती हैं आप, मेरी तो सुबह से मुलाकात नहीं हुई उससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कहाँ गई थी? तुम यहाँ क्या कर रहे? आंटी मैंने अकील से निकाह कर दिया। What? How could you do this? Of course I can do this, aunty. अपने बाप के कातिल से निकाह करने से तो बेहतर है। कि मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह करूं जिसकी मुझसे मोहब्बत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब अजियत हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उस पर धोखे का कवर नहीं चढ़ाया जाता। मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाओगे? मर्द हो ना, यही सोच रहे होगे कि किसी और के लिए तुमसे फरार चाहती। नहीं मलिका, तुम मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और ना ही सोच सकता हूँ। तुमने तो खाला से ये भी कहा है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था। यही सोचते हो ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है ना? हैरत होती है मुझे तुम्हारी बातों में। ऐसे कहते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जिसे तुम घुमाओगे और सब कुछ बदल जाएगा। मोहब्बत में बहुत जादू है मलिक, और जादू में बहुत ताकत है। तुम बस मुझ पर भरोसा किए रहो, वक्त को मैं बदल दूंगा। क्यों डालते हो इतनी मुश्किल में खुद को? वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाएगी मलिका। तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी भी लग जाए कोई परवाह नहीं। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? तुमने किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल ना पूछती मुझसे। तुम्हें देखकर तो शुक्र ही अदा करती हूँ कि मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं। चाहते हैं आप करें, मैं सह लूंगी ये सोच करके कि मैं इसी लायक हूं, मगर अपना नाम मेरे नाम से जुदा मत करें। सारी उम्र इस आस पे जी लूंगी कि एक शरीफ इंसान ने मुझे अपना नाम दिया था। आसिम आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो मत रखें, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़े जिसकी कदर मुझे अब हुई है। मत तोड़े इस रिश्ते को। बेटा अगर तुम यही करना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं वकास को समझा देती कि तुम्हें अपने दिल से निकाल दे। फूफो मैंने कभी भी अकील के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तुमने हमेशा अकील ही के बारे में सोचा है बेटा, तभी तो तुम्हारे और वकास के दरमियान क्लैशेस हो रहे थे। मुझे वकास के बारे में इस वक्त आपसे कोई भी बात नहीं करनी। बेटा तुम हमें भुला सकती हो लेकिन हम तुम्हें नहीं भूल सकते।
तुम हमारा खून हो, मेरे मरहूम भाई की निशानी। उस वक्त आपका खून कहाँ गया था पप्पू, जब आपका बेटा मेरे और मेरे डैड के लिए टॉर्चर बना हुआ था? मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसकी हरकतों पर। तुम किससे पूछ के मेरे घर में घुसे हो? जस्ट शट अप। तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे आसपास की नजर नहीं आना चाहता। मॉम चले, छोड़े इसको इसके हाल पर। जब वो इसको लूट कर हेल्पलेस छोड़ देगा ना, तब इसको हमारी बातें समझ आएंगी। वकील मेरे साथ चाहे जो भी कर, तुमसे बुरा हाल नहीं कर सकता मेरा। स्टॉप इट, क्या हो गया तुम दोनों को? आप इससे कहें कि अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। रवेरा अब तुम ज्यादती कर रही हो उसके साथ। ज्यादती? इसकी वजह से मेरे डैड मुझसे छीन लिए गए। I have to live without him. मेरे डैड नहीं है ना, छीन लिया इसने। और आपको लगता है कि मैं इसके साथ ज्यादती कर रही हूँ? मैंने नहीं मारा उनको, नहीं ली उनकी जान। मेरी बातों को अगर उन्होंने दिमाग पे सवार कर लिया था तो मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर क्या? तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, जाओ। आपको भी चलना चाहिए मेरे साथ। जितनी इज्जत इसने दे दी है ना हमें, यहाँ रुकना बनता नहीं है हमारा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की तो आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कीजिए। और क्या सुनना रह गया? करने दें, जो कर रही है ठीक है, इसको छोड़ दें इसके हाथ पर। इसको आपके साथ की नहीं आपकी दुआओं की जरूरत है, वो यहाँ से जाकर भी दे सकती हैं। मैं आ रही हूँ, तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, आ रही हूँ। Go. Job. बेटा मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बुलाना। खुश रहो। सिम, मुझे तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। ज़ायदा ने फोन करके बताया तुम गए थे। मैं जानता हूं मेरा फैसला ये मेरे लिए कितना तकलीफ थे। उसका नाम जब तक मेरे नाम से जुड़ा रहेगा, मैं कभी इस अज़ियत से बाहर नहीं आ सकूंगा। और अगर वो तुमसे लायदा हो भी गई तो फिर भी इस अज़ियत को तुम्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। वो कहती है उसे मेरी कदर आ गई। सच कहती होगी बेटा, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर उसे कदर ना आए तो फिर वो इंसान ही पत्थर होगी। पत्थर ही है वो अम्मी। नहीं बेटा, उसे जरा वक्त दो, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। आपको क्या लगता कि जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो मेरे दिल के दरवाजे खुल जाएंगे? तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले या ना खुले, लेकिन मेरे घर के दरवाजे उसके लिए जरूर खुल जाएंगे। वो बहू है इस घर की, इज्जत है हमारी। इज्जत ही तो नहीं बन पाई वो अम्मी, अपने दामन में भी रुसवाइयां भरी और हमें भी रुसवा किया। शर्मिंदा भी तो है बेटा। अब क्या फायदा शर्मिंदा होने का? अब उसे मेरे दिल में वो मकाम नहीं मिल सकता जो उसका हुआ करता था। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनका मकाम कभी नहीं बदला करता आसिम। और जब तुमने उसकी इल्तिजा मान ही ली है तो फिर ये भी मान लो कि तुम्हारे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये लीजिए मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? अरे आप मुंह तो मीठा करें ना भाई, कहीं आपको जॉब तो नहीं मिल गई? अरे जॉब भी मिली जाएगी मुझे, अभी मेरे पास ना उससे भी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा मुझे बताओ तो सही, किस खुशी में तुम मिठाई खिला रहे हो? अम्मी मैंने नवेरा से निकाह कर लिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। मैं अभी मलका आपी को बता के आती हूँ। जवान बहनों का घर है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मिठाई खाएं, भाई ने नवेरा से निकाह कर लिया।
मजाक तो नहीं किया मैंने अभी, इसीलिए तो नवेरा ने बुलाया था मुझे। मम्मी आप ही तो कहती हैं इतनी अच्छी लड़की है वो, उसको बहू बना के लेके आना चाहती थी आप। हाँ लेकिन इस तरह नहीं। मम्मी निकाह होना तो हो गया ना, अब कैसे हुआ इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, कहीं तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? अरे नहीं मम्मी, वो आपके बेटे की मोहब्बत को पहचान गई, उसके दिल में भी आपके बेटे के लिए उतनी ही मोहब्बत है, बस उसने अपने दिल में ये बात छुपाई रखी। अच्छा, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी तो उसने फिर वकास से मंगनी क्यों की? उसके दिल में वकास के लिए कोई जगह नहीं, उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी समझदार लड़की है फिर बगैर सोचे समझे। तो आपका क्या मतलब, आपके बेटे से निकाह करना समझदारी का काम नहीं? इस तरह अचानक से उसने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया, कहीं वो पछताएगी तो नहीं? अम्मी आप जानती हैं वकास और उसकी अम्मी धोखे के साथ नवेरा की शादी वकास के साथ करवाना चाह रही थी। जब नवेरा को उनके मंसूबों का इल्म हुआ तो उसी ने यह हल निकाला है। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, इसी बात का तो डर है कहीं जिंदगी में वो पछताए नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप बस अपनी बहू को अब घर में लाने की तैयारी कीजिए, मैं आता हूं फ्रेश होके। मर्द अगर बाहर निकाह कर ले तो जीत का जश्न मनाया जाता है, और अगर बेटियों से कोई गलती हो जाए तो सारी जिंदगी उस गलती को नहुसत का नाम बना दिया जाता है। आप भी, आपको क्या लग रहा है, अम्मी भाई के इस कारनामे पे खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है, नवेरा इस घर में आएगी बहू बनकर? बहू तो बन गई है आप, पर इस घर में शायद ना। उनका घर तो खुद इतना बड़ा है, वो अपना आराम और सुकून छोड़ के यहाँ क्यों आएगी? अखिल की तो लॉटरी निकल है, एक छलांग में बना ली अपनी जिंदगी, और देना बना सकता है। औरत अगर अपनी जिंदगी बनाने के लिए हाथ पांव मारे तो बेहयाई कहा जाता है, और अगर यही मर्द करे तो इज्जत। आप भी मुझे एक बात तो बताएं, आपने जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए रास्ता चुना, आपको अब भी लगता है वो ठीक था? जब यकीन है कि वो रास्ता ठीक नहीं था आप ही, तो बार बार उसका हवाला क्यों देती हैं? छोड़ दें उसका हवाला देना। मेरा माजी हमेशा के लिए मेरा हवाला बन, मम्मी मैं भूलना भी चाहूं तो लोग मुझे भूलने नहीं देंगे। अम्मी चले मेरे साथ, अगर आप नहीं चलेंगी ना तो क्या सोचेंगी वो? जो सोचती है सोचे, उससे पूछकर निकाह किया था तुम लोगों ने। लेकिन अम्मी नवेरा आपको पसंद थी ना, अब तो खुद उसे यहाँ पे बहू बना के लाना चाहती थी। अगर मेरी परवाह होती तो मेरी बगैर इजाजत के इस तरह तुम लोग लड़के लड़कियों की तरह भाग कर निकाह ना करते। अभी मैंने आपको बताया ना कि मजबूरी थी वो। तो ठीक है, जाओ अपनी मजबूरी को जाके निभाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी मैंने उससे वादा किया है कि इज्जत के साथ हम लोग उसे यहाँ पे रुखसत करके लेकर आएंगे। इज्जत के साथ तुम इस घर में उसे रुखसत करके लाओगे? इस घर में? अरे जब मैं पहली बार उसके घर गई थी ना तो मैंने तभी तय कर लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ वकास के ही लायक है, और हमारे जैसे घरों में तो उसके नौकर रहते होंगे। नहीं अम्मी, ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि उसको दौलत से मोहब्बत नहीं है, उसे तो लोगों से रिश्तों से मोहब्बत है। और इसी बात का तुमने फायदा उठाया, लेकिन मैं उसके सामने सारी उम्र मुजरिमों की तरह सर झुका कर नहीं जी सकती कि मेरे बेटे ने महज इसलिए उससे शादी की है कि वो पैसे वाली है। नहीं कतई नहीं अम्मी, वो मोहब्बत है मेरी और मैं उसे बहुत दिल से चाहता हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ इस चाहत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसे कोई दुख कोई तकलीफ मत देना। बिन माँ बाप की बच्ची की बददुआ तुम्हें जीने नहीं देगी। अम्मी अगर आपको इतना ही ख्याल है ना तो उसके सर पे मावन के हाथ क्यों नहीं रख देती हम?
माँ बनकर उसे दुआ भी दे सकती हूँ, उसके सर पर हाथ भी रख सकती हूँ, लेकिन अपनी हैसियत नहीं भूल सकती। आपकी हैसियत बदल गई है अम्मी, मेरा आपकी बहू है। अम्मी मान जाए ना। लेकिन आप तो मुन्नी भी सिफारिश कर रही है, मान जाए ना। ये तो बेवकूफ है, सबकी खुशी में खुश रहने वाली। तो फिर मैं उसे क्या कहूँ जाके कि मेरी माँ ने हमारा निकाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। देखो निकाह एक फरीजा है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। तो फिर अम्मी उससे मैं क्या कहूँ कि आपने इनकार कर दिया उसको यहाँ पे रुखसत करके लाने से। हाँ उसे कह देना जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और कमाओगे, मैं बड़े मान से जाके उसके सर पर हाथ भी रखूंगी और उसे रुखसत करके इस घर में भी लेकर आऊंगी। अम्मी प्लीज ये जिद छोड़ दे। चुप करो तुम। और हाँ जाओ उसे जाके फोन करो कि तुम रुखसत होकर आ रहे हो उसके पास।